प्रतापगढ़ प्रशासन द्वारा कुंवर राजा उदय प्रताप सिंह पर मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। बुधवार को जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया और जल्द मुकदमे वापस करने की मांग की। इसी क्रम में रायबरेली में भी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे और जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं की मांग है कि जिस तरह प्रदेश सरकार की शह पर प्रतापगढ़ प्रशासन ने भंडारे का आयोजन को लेकर कुंवर राजा उदय प्रताप सिंह पर मुकदमे दर्ज किए हैं, यह एक साजिश है। यह कार्यक्रम पिछले कई सालों से चलता जा रहा है। ऐसे में अगर जल्दी मुकदमे वापस ना लिए गए तो पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि मुहर्रम के दिन होने वाले भंडारे को लेकर प्रतापगढ़ प्रशासन ने विवाद होने की आशंका के चलते भंडारे को बंद करवा दिया था और जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो कुंवर राजा उदय प्रताप सिंह को पहले नजरबंद किया गया, उसके बाद उन पर कई मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। आप पर्चे बता दीजिए। नरेंद्र सिंह फौजी, विधान महासचिव, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी रायबरेली। क्या हुआ आज, किस लिए ज्ञापन देने आए थे आपको? आज हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर रायबरेली में, आप विदित होंगे कि 10 तारीख को मुहर्रम के दिन हमारे भद्री नरेश कुंवर उदय प्रताप सिंह जी पर प्रतापगढ़ प्रशासन ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और धारा 144 इस तरह के फर्जी मुकदमे दायर किए गए, जिसका हम पूरी पार्टी, रायबरेली इकाई, जनसत्ता दल पूरी तरह से विरोध करती है। और ये मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, ये सब कार्रवाई करने से पहले क्या हम लोग इतना नहीं कर सकते, अपने घर में हम लोग पूजा नहीं कर सकते? ये भंडारा आज का नहीं है, इतिहास उसका गवाह है, 500 सालों से चलता आ रहा है, इस तरह के भंडारे महाराज कराते आ रहे हैं। और यहाँ तक आप जानते हैं, महाराज का राजनीति से बहुत दूर दूर तक संबंध नहीं है। वो लोग कोई वो राजनीतिक आदमी नहीं है, लेकिन उसको भी राजनीति के चश्मे से लगाकर देखा जा रहा है और उन पर झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं। क्या मांग क्या है? मांग हम लोगों की ये है कि महाराज पर लगे फर्जी मुकदमे प्रशासन, प्रतापगढ़ प्रशासन उसको वापस ले, और अगर वापस नहीं लेगा तो पूरी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक रोडों में विरोध करेगी और धरना प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद। परिचय बता दीजिए। मैं अशोक सिंह परिहार, जनसत्ता दल रायबरेली का अध्यक्ष हूँ। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने जो है बड़े महाराज हमारे भद्री नरेश राजा उदय प्रताप सिंह जी के राज्य सरकार द्वारा फर्जी जो है मुकदमे लगाए गए हैं, जिसके विरोध में हम लोगों ने जनसत्ता दल की पूरी टीम रायबरेली की यहाँ इकट्ठा हुई और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिए। राज्य सरकार द्वारा जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं इनको राज्य सरकार वापस ले, नहीं हम पूरी जनसत्ता दल टीम रायबरेली की सड़क पर उतरेगी और आंदोलन करेंगे। महाराज पर लगे मुकदमे वापस लो, वापस लो। महाराज पर लगे मुकदमे वापस लो, वापस लो। महाराज पर लगे मुकदमे वापस लो, वापस लो। राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद। जय सत्ता दल जिंदाबाद, जय सत्ता दल जिंदाबाद। JBD banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।